मेरी आदर्श मेरी मैथ अध्यापिका सरिता मैम है। जिस तरह बच्चे उनसे खुलकर सवाल करते हैं, मैं चाहती हूँ जब मैं एक टीचर बनूँ तो बच्चे मुझसे भी ऐसे ही सवाल करें। लड़कों को लोग बाग क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। उनकी सोच होती है कि लड़की तो प्राय धन है, चली जाएगी, हमारे पढ़ाने लिखाने का उनका क्या फायदा होता है। मैं एक मैथ टीचर इसीलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और जब मैथ बोरिंग हो जाती है तो स्टेम की मदद से हम मैथ में प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे मैथ मुझे और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। देखो, आत्मविश्वास की कमी होगी जब तक लड़कियों को कोई बाहर भेजने के लिए खुश नहीं होगा, जब तक उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो बाहर नहीं जा सकती, और उनको फुल्ली फ्रीडम चाहिए, आत्मविश्वास से भरी होंगी तभी वो स्कूल में जाएंगी या कॉलेज में जाएंगी आगे भी। तो स्टेम ने काफ़ी वो हेल्प की है उनकी, उनको घर वालों को भी समझाया है और स्कूलों में भी किया है, उनको काफ़ी प्रोत्साहन किया है, तो उनको पेरेंट्स को भी समझ में आया है कि हाँ भी लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए। जिस फैमिली के मतलब एजुकेटेड लोग हैं वो तो चलो लड़कियों को करा रहे पढ़ाई रही है, लेकिन जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग हैं तो उनको समझाने का भी एक तरीका है, वो बहुत अच्छा है स्टेम का, कि जिससे वो अपनी लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं और लड़कियाँ अपने अलग अलग क्षेत्रों में कैरियर बना रही हैं। हमारी नव्या जो है वो मैथ्स में इंटरेस्ट लेने लगी है और आगे बढ़ने की, तो उसको देख के पूरी क्लास का जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। स्टेम से मुझे काफ़ी मदद मिली है, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, और आगे करियर के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता चला।